तो दोस्तों, अब तक आपने देखा था कि हम एक्वेरियम घूम रहे थे। अब घूमने के बाद, शो देखने के बाद, सी लाइन शो देखने के बाद, हम लोग जाने वाले थे द वर्ल्ड ऑफ कोको कोला। वो सामने ही है। तो ये कोको कोला म्यूजियम में जाने के लिए ये लाइन है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एक तरफ है एक्वेरियम और दूसरी तरफ है वर्ल्ड ऑफ कोको कोला। तो जाने में तो टाइम लगा नहीं, तुरंत जैसे ही वहाँ से निकले वैसे ही यहाँ पे हम घुस गए। और इसके टिकट्स जो हैं ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन ही बुक हो रहे थे, वैसे यहाँ पे नहीं दे रहे थे वो टिकट्स। तो हमने ना लाइन में वेट करते करते ही टिकट्स खरीदे यहाँ के। तो जैसा कि आपने देखा, घुसते ही थे बड़े बड़े कोको कोला की बॉटल, जिसके सामने लोग सब लोग अपने अपने फ़ोटो खिंचा रहे थे। और यहाँ पर ये जो लगी हुई हैं पिक्चर्स दीवार पर, ये जो प्रिंट कभी हुई होंगी एड प्रिंट मीडिया में, उसके फ़ोटोग्राफ्स थे। और यहीं पे आप जब सीधे चलते जाएंगे तो एक हॉल था जहाँ पर सीट्स लगी हुई थी और बड़ा सा स्क्रीन था। वहाँ पर कुछ कुछ शो चल रहे होंगे, वो शो हमने देखे नहीं और हॉल से बाहर निकल गए। कुछ ऐसे ही बताएंगे कोका कोला के बारे में, हिस्ट्री, जो हॉल से निकलते ही थी द वर्ल्ड। अब इसमें क्या है ये हम आपको आगे दिखाएंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर जो वो खड़े होते हैं ना, उन्होंने बताया कि ऊपर जो है एक पोलर बियर है, उसके साथ फ़ोटो सेशन कराना है, तो जल्दी जल्दी ऊपर जाओ। तो हमने सोचा ये तो हम बाद में देख लेंगे, क्योंकि ये म्यूज़ियम जो है बंद होने वाला था एक घंटे के अंदर। तो हम चल पड़े सबसे पहले ऊपर, क्योंकि वो फ़ोटो वोटो बच्चों को बड़ा शौक रहता है ना। तो यहाँ पर भी लाइन लगी हुई थी, आप देख सकते हैं। और उधर आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर जो टीवी के एड होते हैं जो पसंद किए गए हैं, वो भी चल रहे थे यहाँ पर। देख सकते हैं ये जो म्यूज़ियम है, ये ऊपर नीचे दो मंजिला बना हुआ है। जब तक हम फ़ोटो का वेट कर रहे थे, तब तक मैंने सोचा आपको बिल्डिंग दिखा देती हूँ। और अच्छी खासी भीड़ है ऊपर और नीचे। खैर, हमने फ़ोटो ले ली थी, और फ़ोटो लेने के बाद, क्योंकि ऊपर ये टेस्ट इट वाला पार्ट था, हम सबसे पहले यहीं चले गए। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि दुनिया भर के जो इनके ब्रांड्स होते हैं ना, जो फेमस ब्रांड होते हैं, वो आप टेस्ट कर सकते हो। और यहाँ पर ऐसे ग्लासेस रखे हुए हैं, तो यहाँ से ग्लास लो
और जो मर्जी आए वो टेस्ट करो। तो यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय करा, लव ने तो बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करा। टेस्ट करने से ज़्यादा उसको मिक्स करना था, तरह तरह की चीज़ें, मतलब तरह तरह के ड्रिंक्स आपस में मिक्स करके टेस्ट कर रहा था और हम ऐसे ही कर रहे थे। तो देख सकते हैं आप कि वो कंट्री का नाम भी लिखा हुआ है नीचे कि कौन सी कहाँ की है। तो मैं बता दूं कि मैंने काफ़ी सारे टेस्ट करी और मुझे ना ये कोरिया वाली अच्छी लगी थी, उसमें लीची फ्लेवर था, बड़ा टेस्टी लगा वो। बाकी तो बड़ा खट्टा खट्टा था भाई, बहुत सारे तो बहुत ही खट्टे थे, किसी में बहुत ज़्यादा बिटरनेस थी। तो थ्रो करके फिर से भरवा दो। और फैक्ट्री जैसा फील देने के लिए ये ऊपर आप देख सकते हैं ना बॉटल्स ऐसे चला रखी हैं, जैसे फैक्ट्रीज में भर के निकल रही हूँ अभी। फिर टेस्ट वगैरह करने के बाद हम ये दूसरे हॉल में घुस गए थे, जहाँ पे ये आप देख सकते हैं जगह जगह की ये मुझे लगता है लोगों ने भेजी होगी आर्ट बना बना कर, तो वो सब डिस्प्ले कर रखी हैं और काफ़ी कलरफुल और ब्राइट ब्राइट ये हॉल था। ये जो सोफ़ा दिख रहा है ना सामने रेड वाला, जिसमें बच्चे बैठ के फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं, ये अमेरिकन आइडल के शो का पार्ट था सोफ़ा, इसलिए यहाँ पर सब बैठ के फ़ोटो क्लिक करा रहे थे, हमने भी करवाई थी। ऊपर का फ्लोर घूमने के बाद हम लोग नीचे चले गए। अब नीचे क्या क्या है आपको वो दिखाते हैं। नीचे के फ्लोर पे है द वॉल्ट। तो इसमें क्या है, इसमें कहते हैं कि जो कोको कोला की जो रेसिपी है, जो फॉर्मूला है, वो सेफ रखा गया है। पहले तो मुझे लगा था ना कि ऐसी फेंकू बात है ये, इसमें कोई सच नहीं है, लेकिन जब मैंने बाद में गूगल किया तो पता चला नहीं सही बात है, यहाँ पर वाकई में कोको कोला का जो फॉर्मूला है वो सेफ रखा गया है। और जहाँ तक मैंने पढ़ा है तो उस हिसाब से इनका जो फॉर्मूला है वो पेटेंटेड नहीं है, इसलिए यहाँ पर सेफ रखा गया है छुपा के।
guys can go ahead and keep walking through. There's two aisles right there. Walk right around. ये फार्मूला इनका। और यहाँ पर ऐसे ही था ये गेम टाइप का कि भैया तुम्हारे बस की हो फॉर्मूला क्रैक करना तो क्रैक कर लो इसको घुमा घुमा के। और यहाँ पर दुनिया भर का जो भी उस टाइम पर क्या कहते हैं न्यूज़ बना था कोकोला की वजह से वो सब भी लगा हुआ था। और यहाँ पर हमने ये भी पढ़ा कि ऐसा बोला जाता है कि शायद ओरिजिनल फॉर्मूला जो है ओरिजिनेट हुआ था इंडिया से। और आगे बढ़ने पर आपने देखा कि यहाँ पर इतराने की जगह भी दी हुई थी सबको और हम बारी बारी से यहाँ पर इतराए। और जी इतराने के बाद ही आगे जाकर है ये तिजोरी जिसके अंदर सच्चे मुच्चे में कोको कोला का फॉर्मूला है। और कहीं भी आप घूमने जाएं तो ये लोग ना दुकान जरूर लगा के रखते हैं साथ में खिलौनों की और तरह तरह के छोटे मोटे सामान की। तो लव ने भी अपने ले लिया और फिर हम लोग फाइनली बाहर आ गए। अब बाहर आने के बाद हम इतना थक गए थे कि क्या ही बताएं, बहुत ज़्यादा चले थे हम उस दिन, 5 माइल चले थे। फिर बाहर आने के बाद हम लोग अपने दोस्त लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं कि चलो भैया खाने पीने चले। और रास्ते में पता क्या मिला, ये देखो इंडिया में DDLJ उतर गई है लेकिन यहाँ अभी भी लगी हुई है, देख रहे हैं राइट साइड में DDLJ विद चाय पानी, अभी तक DDLJ चला रखी है यहाँ पर। घूमने फिरने के बाद भूख लगी थी, उसके बाद हम सीधा खाने आ गए यहाँ पर। यहाँ पर थी बहुत सारी हमारी देसी दुकानें, खाने की दुकानें, कपड़ों की दुकानें और यहाँ तक कि गहने की दुकान भी थी इस वाले रूम में। तो यहाँ पर हम खाने बैठे थे और हमने डोसा ऑर्डर किया था और नूडल ऑर्डर करे थे और थोड़ा सा मीठा भी कुछ लेके खाया था। फिर हम सुबह सवेरे लौट चले अपने घर की तरफ। और घर की तरफ क्योंकि टाइम था जाते हुए तो सोचा था कि चलो रास्ते में रुक कर एक वाटरफॉल पड़ता है वो भी हम देख लेंगे, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता, आप समझ ही गए होंगे अब तक खैर कि मुझे वाटरफॉल देखना बहुत पसंद आता है। तो पूरा मन बना के हम लोग निकले थे और बहुत सुंदर एरिया है जहाँ पर ये देखना आप ऐसे लहराती हुई सड़कें हैं, बहुत ही सुंदर जगह। दोस्तों वहाँ पहुंचकर हमको पता चला कि हमारा पोपट हो गया है। क्यों? क्योंकि ये वाले जो फॉल्स थे ये एक कॉलेज कैंपस के अंदर थे और क्योंकि लॉन्ग वीकेंड था तो वो बंद था और हमको वो पता नहीं था क्योंकि वो फॉल इतना फेमस नहीं था, तो उसकी वेबसाइट पे ऐसा कुछ लिखा भी नहीं था। वो वहाँ पर जाकर वो जो मेरे पति हैं वो बाकी लोगों को मना कर रहे हैं कि वहाँ से आगे से निकल जाओ क्योंकि सबसे पहले हम ही पहुँचे थे और यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो हम लोगों ने थोड़ी देर यहाँ पर बैठ के रेस्ट लिया क्योंकि देखिए ना ये जो तालाब है ये कितना सुंदर लग रहा है और ना चारों तरफ इतना ग्रीन, डार्क ग्रीन, मतलब ऐसे
अलग अलग शेड्स ऑफ ग्रीन दिख रहे थे, आप देख सकते हैं, मतलब ये कैमरे में तो कैप्चर भी नहीं हुए, इतना सुंदर था। और फिर मैं थोड़ा सा इतराने की कोशिश करी, फ़ोटो तो अच्छे आते नहीं है लेकिन क्या करें। और उसके बाद हम लोग घर लौट आए। तुम क्या कर रहे हो सुबह सुबह? अरे आप लोग गुस्सा मत कीजिए, क्या हमें अगर झंडा ना दिखा पाई तो गुस्सा हो जाएंगे। देखिए मैंने आपके लिए जलेबी बनाई है, जलेबी खाइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, चलिए बाय बाय।